Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 में लॉन्च हुई यमहा की RM5 वर्जन 4 का बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नया कलर ऑप्शन। तो गाइस, ये है विविड मैजेंटा मेटालिक कलर। तो आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि इस कलर में RM5 वर्जन 4 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या नई चीजें मिलती है, और साथ ही साथ इस कलर को आप लोगों को क्यों लेना चाहिए, क्या इसकी एक्शन प्राइस पड़ेगी, क्या इसकी ऑन रोड प्राइस रखी गई है 2024 में यमहा की तरफ से इस कलर की। तो गाइस, अगर आप लोग भी ये नया कलर लेने वाले हैं 2024 में या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में, आपकी इसके प्राइस के बारे में, इसमें आपको क्या क्या चेंज मिलता है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक। दोस्तों, वीडियो चल गए, मैं तो चले गए, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं जो कि इस कलर मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तो पहला, इसमें आपको बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नया कलर ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसे हम लोग मैट ग्रे भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे ऑफिशियली जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया विविड मैजेंटा मेटालिक कलर। तो ये जो कलर है, आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला देखेंगे तो इसमें आपको पिंक एंड ब्लू एंड ब्लैक कलर में आपको RM5 को बड़ा सा स्टिकर देखने को मिल जाता है। और एक चीज आपको बता दें कि अगर आप लोग लड़कियां हैं और आप लोग को RM5 पसंद है, आप लोग बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी लड़कियां जिनको RM5 बाइक पसंद है, वो बाइक को राइड करती हैं, तो उनको ये कलर काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इस बाइक में आपको भर भर के पिंक का यूज देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अलावे भी आपको पिंक देखने को मिल जाती है। तो ये पिंक कलर जो है ना, लड़कियों को काफी पसंद होता है। तो आप लोग बताना कि ये जो नया कलर है ना पिंक अलावेल के साथ, आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं कि इस कलर का जो प्राइस है ना आपको कितना देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस पड़ेगा, वॉक पड़ेगा 1,87,000 रुपए एक्स शोरूम जो भी वाराणसी की प्राइस। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो लगभग आपको पड़ेगा 2,20,000 से 2,25,000 के बीच में आपको ये कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगी 2024 में। तो गाइस, ये तो होगा इसके प्राइस की बात। अब थोड़ी सी फीचर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बड़ा सा विंडशील्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लग जाएगा। ब्लू एंड ब्लैक कलर में आपको ग्राफिक मिल जाती है नई वाली। इसका जो बॉडी मिलता है ना ग्रे कलर मिलती है, साइड में आपको वही पहले मिलता है। और यहाँ पे देखिए RM5 का स्टिकर मिल जाता है पिंक ब्लू एंड ब्लैक कलर में। DRLs आपको वही सेम मिलते हैं। प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प देखने मिल जाता है जो कि आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगी। फ्रंट मिडगार्ड जो मिलेगा आपको ब्लैक मिल जाता है, इसके आपको यमहा की बैचिंग मिल जाती है। तो इस कलर के साथ इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस टाइप मिल जाता है। तो आप लोग बताना कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है आप लोगों को कैसी लगती है देखने में। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से यानी कि सस्पेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे गाइस देखेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना वो आपको मिलता है टेलीस्कोपी USD फॉर्क सस्पेंशन यानी कि अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए बाइबर का डिस्ब्रेक मिल जाता है जिसकी साइज है 282 mm का। डिस्ब्रेक के बीच में देखिए ABC चैन लगाई है क्योंकि डुअल चैन ABS के साथ आती है। इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिलता है 100/80/17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है पिंक अलावेल के साथ। तो गाइस, ये जो अलावेल लगाया गया ना काफी मतलब आई कैचिंग है। अगर आप लोग इसे रोड से लेके गुजरते हैं ना तो ये जो अलावेल है ना पक्का हर किसी के नजर में आने वाले क्योंकि ये काफी लाइट कलर है। तो आप लोग बताना कि ये जो अलावेल है ना ये आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप हमसे पूछते हैं ना, सीरियसली मुझे तो ये अलावेल नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि अगर इसकी जगह पे गोल्डन हो जाता है या फिर ऑरेंज भी हो जाता है या फिर कहते हैं ग्रीन हो जाता है वो ज्यादा बेहतरीन लगता है। लेकिन ये जो पिंक अलावेल है ना ये मुझे पहली बाइक है जिसमें आपको पिंक अलावेल दिख रही है। तो आप लोग बताना कि जो पिंक अलावेल दिख रही है आप लोगों को कैसा लग रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इस बाइक की जो साइड प्रोफाइल मिलते हैं ना कुछ इस टाइप मिल जाती है इस कलर के साथ। हैंडल बार पे आते हैं तो गाइस यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लॉकिंग मार्जिन पासिंग स्विच साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच स्लीपर के देखने को मिल जाता है। राइट हैंडल आपको इंजन ऑन ऑफ स्विच हैजार्ड लाइट और यहाँ पे आपको ट्रिप एंड इन्फो स्विच देखने को मिल जाती है। मीटर कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे मीटर कंसोल जो मिलता है ना वही सेम आपको पहले वाली मिलती है। यहाँ पे आपको कॉल SMS अलर्ट यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा TCS ABS और साथ ही साथ यहाँ पे आपको न्यूटन इंजन मोड फंक्शन लाइट गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर स्ट्रीट ओडोमीटर RPM इंडिकेटर स्पीडोमीटर और ये जो स्विच मिलता है ना इससे आप लोग स्विच करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे एवरेज किलोमीटर बैटरी कूलेंट लो फ्यूल इंडिकेटर। मीटर कंसोल जो है ना वही सेम आपको पहले वाला देखने को मिलता है जिसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे देखेंगे जो हैंडल बार मिलता है ना वो क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को जाते हैं तो इसकी जो राइडिंग पोजीशन मिलेगी ना काफी स्पोर्टी मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक जो मिलता है ना वो ग्रे कलर मिलते हैं मैट ग्रे कलर और यहाँ पे देखेंगे ब्लैक एंड पिंक और सिल्वर कलर के साथ RM5 की स्टिकर मिल जाती है E20 का स्टिकर और दोनों साइड में देखेंगे तो यमहा का 3D लोगो। फ्यूल टैंक FT जो मिलती है आपको वही सेम आपको 11 लीटर की देखने को मिल जाती है। तो गाइस का जो फ्यूल टैंक है आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके इंजन के ऊपर तो गाइस यहाँ पे देखेंगे साइड में देखते काफी बड़े अक्षरों में पिंक एंड ब्लू कलर या ब्लैक कलर के ग्राफिक के साथ यहाँ पे देख सकते RM5 की बैचिंग देखने को मिल जाती है आपको वर्जन 4 की स्टिकर देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के ऊपर तो गाइस आपको बता दें जैसा कि आपको पता है कि RM5 एक ऐसी बाइक है ना 150 cc की जिसमें आपको काफी स्पोर्टी इंजन मिलता है
जिसमें आपको काफी अच्छा पावर देखने को मिल जाता है, स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाती है। तो इसका जो इंजन मिलेगा वो मिलता है 155 cc का लिक्विड कूल फोर स्टॉक फोर वाल्व इंजन देखने को मिल जाता है, जो आपको BS6 फेज 2 इंजन मिलता है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 18.4 PS का 10,000 RPM। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलता है 14.2 न्यूटन मीटर का 7,500 RPM पे। इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। साइड स्टैंड में आपको इंजन कटऑफ सिस्टम देखने को मिल जाता है। ओवरऑल टू सेंसर देखने को मिल जाती है, BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। इंजन देखेंगे तो काफी पूरी तरीके से कवर देखने को मिलती है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसकी सीट के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का जो सीट मिलता है ना वो आपको स्प्लिट सीट मिलती है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको राइडर सीट में कंफर्ट नहीं मिलता है, कंफर्ट आपको काफी अच्छी मिलती है। यहाँ पे देखेंगे राइडर सीट का जो साइड सीटिंग पोस्चर है ना R15 वर्जन 3 के कंपैरिजन काफी बेहतरीन, काफी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है। पिलर राइडर सीट देखेंगे वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है, इंटीग्रेटेड पिलर कैबिन मिल जाती है। यहाँ पे आपको पिंक एंड ब्लैक कलर के ग्राफिक के साथ VVA टेक्नोलॉजी के आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। साइड में आप देखेंगे हाफ कवर चैन, लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन देखने को मिल जाती है, जिससे अगर आप टाइम टू टाइम चैन लूप चैन क्लीन करते रहेंगे तो चैन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम आते हैं इसके रियर लाइट के बारे में, तो गाइस आपको बता दें कि इसका जो रियर टेल लाइट है ना वही सेम आपको पहले वाला मिलता है, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। LED टेल लाइट देखने मिल जाता है, टर्निंग इंडिकेटर इसमें आपको बल्ब मिलता है, LED नहीं मिलता है। लेकिन हम इसमें चाहेंगे तो आप लोग इसमें मतलब मॉडिफिकेशन के थ्रू एसेसरीज के थ्रू इसमें आपको LED टर्निंग इंडिकेटर लगवा सकते हैं। और अगर हम आते हैं इसके रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है, लिंक टाइप का मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है, 220 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्क ब्रेक के बीच में देखिए इसकी चेन लगाई है, क्योंकि ये जो बाइक है ना डुअल चेन एलिब्स के साथ आती है। इसका जो रियर टायर मिलेगा वो आपको काफी वाइडर टायर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको 140/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है, जो कि आपको रेडियल का ट्यूबलेस टायर मिलता है। अलावा जो मिलता है आपको पिंक कलर में देखने को मिल जाती है, और एग्जॉस्ट मिलता है वही सेम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कूलेंट देखने को मिल जाती है, और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको R15 वर्जन 4 का आपको स्टिकर मिल जाता है, पिंक एंड ब्लैक एंड कहते हैं ब्लू कलर के साथ। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर्सफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक की जो लेंथ मिलेगी वॉक मिलती है 1990 mm का, इसकी जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1135 mm का, विड्थ जो मिलेगा वॉक मिलता है 735 mm का, सीट हाइट जो मिलती है वॉक मिलती है 815 mm का, व्हीलबेस जो मिलेगा वॉक मिलता है 1325 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस जो मिलेगा वॉक मिलती है 170 mm का, कार्बेट जो मिलेगा वॉक मिलती है 141 kg की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बता दिया है जो कि 11 लीटर की। तो गाइस ये थे इस बाइक के डायमेंशन, इसके फीचर्सफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली बात करते हैं कि इस कलर के साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या नई चीजें मिलती हैं बाकी कलर के ऑप्शन के थ्रू। तो गाइस आपको बता दें कि अगर आप लोग मेटालिक कलर को नहीं पसंद करते, आप लोग मैट बाइक को पसंद करते हैं, तो आपको बता दें ये जो ग्रे कलर है ना ये मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको जो स्टिकर मिलता है ना ये मुझे उतना नहीं पसंद है, क्योंकि पिंक कलर मुझे स्पेशली नहीं पसंद। लेकिन अगर आप लोग लड़कियां हैं, आप लोग R15 के लवर हैं, तो आप लोगों को ये कलर आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ग्राफिक्स भी पिंक मिल जाती है, अलॉय व्हील आपको पिंक मिल जाती है, और इसका जो कहते हैं ऑन रोड प्राइस है वो भी पहले से बढ़ चुकी है। बाकी जो फीचर्स वाइज है ना वही सेम बाइक देखने को मिलती है, केवल कलर अपडेट हुआ है, ग्राफिक्स अपडेट हुआ है। तो अब आप लोग बताना कि ये जो नया कलर मिल रहा है ना R15 वर्जन 4 में, ये आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, ये बाइक अच्छी लगी, ये कलर अच्छा लगा, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट हो, सवाल करना है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हल्कदान की हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।